नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे आगे से वीडियो में, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, तेजस्वी यादव बोले बिहार के लिए अभिशाप है नीतीश सरकार, प्रदेश को बना दिया है मजदूर और बेरोजगार। आप लोगों को बताते चले, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार की चल रही सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी, मध्य अवधि चुनाव के लिए महागठबंधन पहले से ही तैयार है। नए साल में आरजेडी के नेता ने पहली बार यहां पर यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए की वर्तमान सरकार जल्द ही गिरेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जेडीयू को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। तेजस्वी यादव ने 16 साल से चल रही नीतीश सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है, लेकिन इन लोगों ने बिहार को बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बना दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि यह जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं। यह यहां पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने बोला है जोरदार हमला एनडीए पर, और कहा है कि जल्द ही राज्य में गिर जाएगी एनडीए की सरकार और होंगे मध्य अवधि के चुनाव। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं कनाडा के सांसद। विदेश मंत्रालय ने कहा हम तथ्यों का लगा रहे हैं पता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तीनों ही नए विवादित कृषि कानूनों को लेकर के पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध लगातार बना हुआ है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं किसान आंदोलन में कनाडा के नेता भी कूद पड़े हैं। अभी हाल ही में कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता व सांसद रमनदीप बरार किसान आंदोलन में शामिल हुए, इसको लेकर के भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने किसान आंदोलन में रमनदीप बरार के शामिल होने को लेकर के कहा है कि हमने इन रिपोर्टों को देखा है और तथ्यों का पता लगा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, रमनदीप बरार दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के कुंडली गांव में चल रहे आंदोलन में शामिल हुए थे। बरार ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात भी की थी। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, बंगाल के उलेमाओं ने बढ़ाई है ओवैसी की चिंता। बोले यहां AIMIM के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कमर तो कस ली है। हालांकि प्रदेश के उलेमाओं ने ओवैसी के इस फैसले पर खुशी नहीं जताई है। ओवैसी पर उत्तर प्रदेश और बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे। इसे ध्यान में रखते हुए बंगाल में जमात ए उलेमा ने ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उलेमाओं ने AIMIM पर मुस्लिम वोटों को बांटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के मतदाता AIMIM को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। TMC सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि बंगाल की राजनीति में AIMIM और ओवैसी की कोई भी जगह नहीं है। तो वहीं अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी ओवैसी के बंगाल चुनाव में हिस्सा लेने पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है, जो कि यहां पर काफी मुश्किल भरी रहा हो सकती है ओवैसी की बंगाल के चुनाव में। ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि क्या ओवैसी सीधे तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं या नहीं, आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मोदी सरकार ने देश के अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया है। यह यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के पंजाब हरियाणा सहित पूरे देश के किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। इस वक्त दिल्ली में बारिश हो रही है और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन खुले आसमान के नीचे तंबू गाड़े किसान बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है। उनका हौसला देखने लायक है। वो बार बार यही दोहरा रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है
तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। और एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच में विज्ञान भवन में हुई वार्ता पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए देश के अन्नदाता के साथ विश्वासघात किया है। आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी बात कह चुके हैं। अन्नदाताओं की आवाज उठाना और उनकी मांगों का समर्थन करना हम सबका कर्तव्य है, इसलिए पूरे देश को किसानों का समर्थन करना चाहिए और किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि ये विवादित कृषि कानून रद्द हो सके। ये यहाँ पर देशवासियों से राहुल गांधी ने अपील की है और घेरा है मोदी सरकार को और कहा है कि अन्नदाता के साथ विश्वासघात कर रही है मोदी सरकार। क्या आप लोग दोस्तों राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना की वैक्सीन पहले मोदी जी को लगाई जाए उसके बाद हम भी लगवा लेंगे, ये यहाँ पर कहना है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के चलते दो वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह दो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को देश भर में लागू किए जाने के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वैक्सीन पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यहां तक कि कई भाजपा नेताओं और समर्थकों ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता वैक्सीन पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि भाजपा की वैक्सीन पर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसलिए वह इस वैक्सीन को बिल्कुल भी नहीं लगवाएंगे। उन्होंने इसे राजनीतिक वैक्सीन करार देते हुए कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबको फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कोरोना वैक्सीन खुद लगवा लें उसके बाद हम भी लगवा लेंगे। गौरतलब है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का अभी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है और सरकार ने वक्त से पहले ही इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते मोदी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसा करना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना है, इसलिए लगातार मोदी सरकार की किरकिरी भी हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने सरकार को लिया है आड़े हाथों, कहा क्या अरबपति मित्रों के ड्राइंग रूम में बनेंगे कृषि कानून। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस महासचिव ने कृषि कानूनों पर सरकार के टाल मटोल रवैये की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने संवेदनहीनता की हदें अपार कर दी हैं। आप लोगों को बताते चले, प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसान आंदोलन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत का आठवां दौर खत्म हो गया। किसानों को आशा थी कि भाजपा सरकार अपनी कथनी के अनुसार किसानों का कुछ सम्मान तो करेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। वार्तालाप करने वाले मंत्री मीटिंग में देर से पहुंचे और बिल वापस ना लेने की बात करते रहे। यह यहां पर घेरा है प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को। तो वहीं प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या कृषि कानून बीजेपी के अरबपति मित्रों के ड्राइंग रूम में बनेंगे या किसानों के खेत में। तो वहीं प्रियंका गांधी ने सर्दी के मौसम में किसानों का आंदोलन जारी रहने को तर्कपूर्ण बताते हुए कहा कि किसान अपनी मेहनत की लूट को रोकने के लिए डटे हैं और वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये यहां पर कहना है प्रियंका गांधी का। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी मोदी सरकार, किसान नेता ने लिखा है नोट, या मरेंगे या फिर जीतेंगे। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता खत्म हुई, इसमें भी कोई नतीजा सामने निकल के नहीं आया है। अगली बैठक अब 15 जनवरी को होगी। यहां पर मोदी सरकार किसानों के साथ बैठक खेल रही है। सरकार के साथ बैठक में किसान नेता बलवंत सिंह ने एक नोट लिखा है, सरकार से नाराज दिख रहे बलवंत सिंह ने लिखा है कि या मरेंगे या जीतेंगे। तो वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने घेरा है मोदी सरकार को और कहा है कि मोदी सरकार भारत के इतिहास में सबसे अमानवीय, अहंकारी और निष्ठुर साबित हुई है। उसे न ठंड में रोजाना दम तोड़ते किसान नजर आ रहे हैं और ना ही ठप होती अर्थव्यवस्था। किसानों के साथ बैठक खेल कर वह अन्नदाता को थकाने की कोशिश कर रही है, पर किसान ना थकेगा ना झुकेगा ना रुकेगा। यह यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार मोदी सरकार का अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है। किसानों की मांगे
बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है मोदी सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी हुंकार भर ली है और कहा है कि झुकना तो मोदी सरकार को ही पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई अदालत के फैसले को दी गई है चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है एक याचिका। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है। विशेष सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को मस्जिद के विध्वंस में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया था। जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अयोध्या निवासी हाजी महबूब और हाजी सैयद अखलाक अहमद ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई विशेष अदालत के द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती देने का फैसला किया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो आप लोगों ने UNDTV पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।